तो आप विदाउट फिल्टर भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो इसका आउटपुट है कूलिंग, ये आपके कंडेंसर मोटर और कंप्रेसर के लिए जा रहा है। फिगर कंपनी का अंडर काउंटर चिलर है, इसका सक्शन प्रेशर दिखाऊंगा, स्टैंडिंग प्रेशर दिखाऊंगा और डिजिटल थर्मोस्टेट का कनेक्शन दिखाऊंगा और कैसे गैस चार्ज करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करेगा। पहले तो इसका टेम्परेचर देखें, इसको मैंने हाईर टेम्परेचर सेट किया है स्टैंडिंग प्रेशर दिखाने के लिए, अभी ये ऑफ है। स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है? जब आपका यूनिट ऑफ रहता है, कोई भी यूनिट है, एसी है, फ्रिज है, चिलर है, कोई भी है, जब ऑफ रहता है तो वो कितना प्रेशर गेज में दिखाता है वो आपका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। इसको अगर आप देखें, इसका प्रेशर 90 तक है, यानी RX134 का स्टैंडिंग प्रेशर 90 PSI तक होता है। ये कम ज़्यादा भी होता है, 85-95, यानी इसके बीच में आपको मिलेगा। ये तो 134 का स्टैंडिंग प्रेशर हो गया, अभी रनिंग प्रेशर कितना होता है इसको मैं हाईर सेट किया, इसको मैं लो सेट करेगा इसका सेट पॉइंट और रनिंग प्रेशर दिखाऊंगा। RX134 का रनिंग प्रेशर क्या होता है और कैसे गैस चार्ज करते हैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी देखे, इसका डिस्प्ले ऑन है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्या करोगे? अगर इसी में कोई कंप्लेन आए तो आप क्या करोगे? फर्स्ट, सबसे पहले आपने इसका सेट पॉइंट देखना है। देखिए, ये अभी ऑन है पावर इसका, लेकिन ये चल नहीं रहा है, सिर्फ टेम्परेचर दिखा रहा है। सबसे पहले आपने इसका सेट पॉइंट चेक करना है। सेट पॉइंट कैसे चेक करते हैं? सेट की लॉन्ग प्रेस 5 सेकेंड, SP इंडिकेट होगा, ये अभी SP इंडिकेट हो रहा है, देख सकते, ये हमारा सेट पॉइंट है। तो इसको मैं लोअर सेट करके चिलर का टेम्परेचर डालूंगा 2 डिग्री। हम लोग इसका टेम्परेचर डालते हैं चिलर का 2 से 6 मेंटेन करते हैं चिलर के लिए। इसको मैं 2 डिग्री डालेगा और उसके बाद रन करेगा, रनिंग प्रेशर दिखाएगा। सेवन, अभी देखे, इसको मैं 2 डाल के ऐसे सेट करने का, 2 पे ला के सेट दबाने का, देख सकते हैं कंप्रेसर का सिंबल आ रहा है। अभी हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया, अभी गेज देखते हैं। गेज देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है हमारा। R134 का रनिंग प्रेशर 10 से 15 PSI के बीच में मिलेगा। आपने कभी भी गैस प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, यह टेम्परेचर के साथ अप डाउन होता है। आपने क्या करना है, जो भी यूनिट है आपका, AC है, फ्रिज है, चिलर है, आपने इसका लोड देखना है, इसका स्पेसिफिकेशन देखना है। ये देखें, इसका स्पेसिफिकेशन है, इसके एम्पेयर कितने है? 1.6 एम्पेयर, ये इसका मैक्सिमम लोड है, यानी आपने किसी भी यूनिट को मैक्सिमम लोड के नीचे ही गैस चार्ज करना है। तो इसका एम्पेयर हम लोग देखते हैं, इसको एम्पेयर पे सेट करने का, ये एम्पेयर है इसकी। अभी देखे, मैक्सिमम लोड इसके ऊपर मेंशन है 1.6, कितना ले रहा है? 1.28, यानी कोई भी यूनिट रहेगा, चिलर रहेगा, फ्रीजर रहेगा, AC रहेगा, वो आपके जो मैक्सिमम एम्पेयर होते हैं उसका नीचे ही चार्ज होगा। यानी गैस चार्जिंग के टाइम में आपने एम्पेयर मीटर लाजिम लगाना है। तो कैसे मालूम चलेगा गैस पूरा है? अभी आपने 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना है। नंबर 1, इसका लोड के ऊपर एम्पेयर कितने ले रहा है। दूसरा, सक्शन प्रेशर देख सकते हैं इसका 10-13 PSI है तकरीबन। और तीसरा चीज़, आपने इसके जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन ठंडी होनी चाहिए। यानी 3 चीज़ें मैटर करती है, 1, एम्पेयर कितने ले रहा है, मैक्सिमम एम्पेयर का नीचे ही आपने चार्ज करना है, नंबर 2, रनिंग प्रेशर, नंबर 3, इसका सक्शन लाइन। ये इसका सक्शन लाइन आपकी ठंडी होनी चाहिए। सक्शन लाइन में आइस फॉर्मेशन क्यों आता है? अगर आपके सिस्टम में गैस ज़्यादा है तब भी सक्शन लाइन पे आइस आएगी, अगर आपके सिस्टम में गैस कम है तब भी आइस आएगी। ये देखिए, इसका ड्रेनेज का पाइप है, इंडोर से आ रहा है, जो आपका इवेपोरेटर कॉयल होता है उसका जो ड्रेनेज का पानी होता है वो आपका आके इसी ट्रे में गिरता है। ये इसका ड्रेनेज का ट्रे है, इसमें कंडेंसर का लाइन दिया होता है, जो पानी बाहर आता है वो इसी के अंदर ही कंडेंसर की गर्मी की वजह से ड्राई हो जाता है और कंडेंसर को भी ठंडा कर देता है, पानी भी ड्राई हो जाता है, यानी दोनों काम हो जाता है। और ये आप लोग देख रहे हैं, कंडेंसर के आउटपुट पे फिल्टर नहीं है, डायरेक्ट कैपलर ही है। जो फिल्टर होता है आपका, ये सेफ्टी के लिए होता है, ये साइकिल में नहीं आता है, तो आप विदाउट फिल्टर भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसका एंडोर का फैन है, ये एयर को सर्कुलेट करता है, यानी जो कैबिनेट का एयर है वो कॉइल के ऊपर सर्कुलेट करता है
और कैबिनेट को अंदर ठंडा करता है। ये देखें, ये ड्रेनेज का लाइन है, इसी में जो पानी गिरता है, जो बार पाइप दिखाई है उसी में गिरता है। और इसके अंदर इसका सेंसर है जो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, जो हमारा सेट पॉइंट 2 रखा है वो इसी सेंसर के थ्रू ऑब्जर्व होता है और कंप्रेसर को कट ऑफ करता है। और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, देखिए ये सिंगल प्रॉप का है, सिंपल है। ये जो अंडर काउंटर चिलर है ये विदाउट डिफ्रॉस्ट डिज़ाइन किया गया है सिंगल प्रॉप के लिए। ये देखिए इसका 220 का पावर सप्लाई है, आपने 220 वोल्ट देना है। और ये आपको नंबर 3 पे दिखा रहा है कूलिंग, नंबर 4 पे दिखा रहा है सी कॉमन, और इसी पे आपने एक सेंसर कनेक्ट करना है 5-6 पे, जो कि सिंपल है। ये देख सकते हैं ये सेंसर कनेक्टेड है, 5-6 पे सीधा सीधा सिंपल सेंसर कनेक्ट करना है। और इधर क्या करना है, 1-2 को 220 सप्लाई देना है पावर सप्लाई, और नंबर 4 पे आपने कॉमन देना है। कॉमन क्या मतलब है, एक फेज देना है आपने, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं इस पर एक फेज़ लगा हुआ है, यानी नंबर 4 कॉमन है, इसको आपने एक फेज़ देना है जो नंबर 3 से आउट होगा कूलिंग के लिए। ये सिंगल प्रॉप का है, सिंगल रिले का है, यानी इसी चिलर में जो फेज़ आ रहा है उसी फेज़ को आपने सी पे देना है कॉमन पे नंबर 4 पे, जो कि 3 से आउट होगा कंप्रेसर के लिए। और इसके एंड और फैन के लिए सेपरेट केबल जा रहा है इस कनेक्टर से, और ये जो इसका आउटपुट है कूलिंग, ये आपके कंडेंसर मोटर और कंप्रेसर के लिए जा रहा है। और ये इसका कंप्रेसर है FR7.5G, ये इसका मॉडल नंबर है। इसके ऊपर देखे मेंशन है R134 से गैस इसमें चार्ज है।